What are the various sources of rural credit? With growing modernization of agriculture during the post-green revolution period, the requirement of agricultural credit has also increased. क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स में देखा कि कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है. कैपिटल, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए आपको, फर्टिलाइजर्स पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, और एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए तो पैसा चाहिए ही चाहिए. द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट हैज ऑल्सो इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर्स. ब्रॉडली देर आर टू सोर्सेज फ्रॉम विच फार्मर्स कैन रेज लोन्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड इंस्टीट्यूशनल. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या क्या हैं? करेक्ट, तो मनी लेंडर्स जो इतने सालों से चलते आए हैं. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मनी लेंडर्स हैव बीन एडवांसिंग अ मेजर शेयर ऑफ फार्म क्रेडिट. द पेजेंट्स आर एक्सप्लॉइटेड थ्रू एग्जॉर्बिटेंट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. क्वाइट फ्रीक्वेंटली देयर अकाउंट्स आर मैन्युपुलेटेड विदाउट देयर नॉलेज. मतलब हेरा फेरी भी बहुत होती है, क्योंकि वो तो अनपढ़ है तो मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. कहीं भी उससे अंगूठा लगवा लेते हैं, फिर उसके बाद हिसाब में गड़बड़ी होती है. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे पुराने क्या हैं? मनी लेंडर्स. रिलेटिव्स कम ही मदद करते हैं बट हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में. रिलेटिव्स कल्टिवेटर्स बोरो फंड्स फ्रॉम देयर ओन रिलेटिव्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस. These loans are a kind of informal loans and carry no interest and are normally returned after harvest. And normally, no such loans are available. So, money lenders, yes. Rich landlords, yes. Small, as well as marginal farmers and tenants, they take loans from landlords. अगर आप किसी की land पे ही farming कर रहे हो, उसी से ही loan ले लिया, तो landlord से loan ले लिया. मनी लेंडर से लोन ले लिया, तो वो दोनों ही एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर मीटिंग देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. लैंडलॉर्ड्स आल्सो चार्ज हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स एंड एक्सप्लॉइट द पेजेंट्स, पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मर्स एंड टेनेंट्स. तो मनी लेंडर्स और रिच लैंडलॉर्ड्स दोनों इक्वली मैन्युपुलेटिव है, दोनों एक्सप्लॉइट करते हैं. ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स, जिनके थ्रू आप सामान बिकवाएंगे, बिकवाएंगे जो आपका प्रोड्यूस खरीदने के लिए रेडी है. ट्रेडर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, तो आप कह रहे हो कि यार आपने तो खरीदना, आपको पता है ना मैं आपको सामान बेचूंगा, तो आप प्लीज़ मुझे क्रेडिट दे दो, आप मुझे पैसे दे दो, बाद में एडजस्ट कर लेना, सामान तो मैंने आपको ही देना है ना, कर लेंगे हिसाब. दे ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट टू द पेजेंट्स ऑन मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स. मॉर्गेज ऑफ क्रॉप्स की मैंने आपके साथ एग्रीमेंट कर दिया कि अब ये जो भी आपका प्रोड्यूस है आपने मेरे पास गिरवी रख दिया है, आप ही किसी और को नहीं बेचोगे, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट ही मैंने आपको लोन दिया है कि ये जो जितना भी सामान है आप मुझे सेल करोगे, फिर आपके लोन में से एडजस्ट हो जाएगा जो भी होगा. एट हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ कंडीशन दैट द क्रॉप्स विल बी सोल्ड टू देम एट लो प्राइसेस. तो जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज दे हैव बीन दैट आल्सो नोन एज ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया. तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज मनी लेंडर्स, रिच लैंडलॉर्ड्स, रिलेटिव्स एग्जाम्पल है तो यूज करेंगे, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स. नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट एक्सप्लॉइटेड, दे एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लीडिंग टू अ डेट ट्रैप. कह रहे उनके मैनिपुलेशन करके कुछ भी एक बार फंसा लिया. डेट ट्रैप मतलब आप लोन पे लोन लिए जा रहे हो पुराने इंटरेस्ट पे ऑफ करने के लिए. आपने लोन लिया 1000 रुपये का, उसने उस पर इंटरेस्ट लगा दिया 500 रुपये का, आपने डिले करा कुछ नहीं करते करते, फिर आप लोन ले रहे हो इंटरेस्ट पे करने के लिए और आपका लोन बढ़ता जा रहा है. यू आर इन अ डेट ट्रैप. हम मतलब डेट ट्रैप में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें मनी रोटेशन भी कह सकते, मतलब ये होता है मतलब मनी रोटेशन तब कहते हैं कि बस पैसा घूम रहा है, कुछ मतलब इनकम जनरेट नहीं हुई
ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, मैंने इसके पैसे देने थे, इसको पैसे देने के लिए मैंने इनकम जनरेट नहीं करी, इससे पैसे लेके इसको पैसे दे दिए, तो वो होता है मनी रोटेशन। इसमें तो क्या हो रहा है कि उसी इंसान से ही कह रहा है 1,000 रुपए थे, 1,500 हो गए, कह रहे भाई साहब मुझे और लोन दे दो, तो उनका लोन ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट न्यू पीपल आर इन्वॉल्व, सेम बंदे पे ही आपका लोन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप इंटरेस्ट ही रीपे नहीं कर पा रहे। वो लोन आपको कह रहे कि अच्छा ठीक है 500 रुपए देने हैं, मैं 1,000 रुपए का तुम्हें और लोन देता हूँ तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, तो वो अपना इंटरेस्ट काटे जा रहा है, उसमें से आपका लोन बढ़ाया जा रहा है, अब हायर अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, यू आर कॉट इन अ डेट ट्रैप। हाँ ये वही पुराने लोन्स, तो चलो फिर भी एक खुशी की बात होगी कि लोन कम हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ पुराने लोन्स पे इंटरेस्ट देने के लिए भी नए लोन लेने पड़ जाते थे, पड़ जाते हैं, तो मतलब आप डेट ट्रैप में हैं। दस देर वॉज अ नीड फॉर एक्सपेंशन एंड प्रमोशन ऑफ रूरल बैंकिंग और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन वॉज डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। तो ये हमने क्या पढ़े, नॉन इंस्टीट्यूशनल।